ये जो पूरा टीम है, चाहे कमाल हो या हमारे जितने मीर साहब है, जावेद मीर साहब, इन्होंने ये जो बसेरा बनाए हैं, ये सच्चे कलाकार, अच्छे कलाकार हैं, उभरते हुए कलाकार हैं। इनके अंदर जोश है, ताकत है। जोश और मौज तो आजकल मिलना ही मुश्किल हो गया, लॉट डाउनलोड करना पड़ता है जोश और मौज। तो ये मिल गया हम सबको। अभी मैं यहाँ पर देख रहा था कि आप सब तमाम लोग लड़कियों से सवाल पूछ रहे थे। अभी किसी लड़की को छेड़ना मत मीडिया वालों, और स्पेशली बुरखे वाली को। पता नहीं कब कौन से बुरखे में राखी सावंत निकला है। फैशन की नई माँ हमारी पाती माँ। गाली गलौज फिल्म जल्दी आ रही है, OTT पर आ रही है। फिल्म का नाम गाली गलौज है, लेकिन फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं है। एक फैमिली फिल्म है, वो भी स्टैंड अप कॉमेडी की फिल्म है। और मैं जैसे मैंने कहा कि स्टार स्टैंड अप कॉमेडी फैमिली वेलफेयर फेडरेशन जो हमारी शुरू हुई है, जिसका हमने शॉर्ट फॉर्म रखा है, शॉर्ट फॉर्म भी बड़ा मशहूर है, SSCFWF। मुझे लगता है कि मज़ा आएगा। और साथ में मेरा ये दोस्त यहाँ पर मौजूद है, अमित जाधव, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सोनू निगम साहब ने इन्हें चैलेंज दिया था कि जो गाना तुम गाने वाले हो उसको या तो नॉर्मल गाओ या तो उसके ऊपर रिकॉर्ड पर डांस करो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो इन्होंने चैलेंज स्वीकार किया था। इनके अंदर वो एक्स फैक्टर जो है, वो एक्स फैक्ट्री इनके अंदर, तो ऐसा ज़बरदस्त गाना गाया था कि संजय जाधव साहब तब से लेके अब तक जवा दिलों की धड़कन है। मैं चाहता हूँ कि उनसे भी आप बात करें, और मेरी फरमाइश है कि बातचीत से पहले वो दो लाइनें जो आपको गाइए KK साहब की, वो जरूर हो जाए। थैंक यू। ऐसे ही गाऊं? ऐसे गाऊं। ये माइक जा रही है, आवाज जा रही है। चलो ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे गाऊंगा तो शायद आवाज ओपन अप होगी कि नहीं पता नहीं। कल्याण जी भाई, कैन आई हैव द माइक प्लीज? कल्याण जी, आनंद जी, सॉरी, हां जी, ओके, थैंक यू सो मच। हर टाइम में कहां था ये माइक? भाई हमारे पास दे दिया करता है। सुनील भाई ने इतनी बहुत तारीफ कर दी, हम इनके बहुत बड़े फैन हैं। हम लोग हमेशा से इनके स्टैंड अप कॉमेडी देख के हम लोग बहुत ही हंस हंस के इन्होंने हमें एंटरटेन किया। और थैंक्स टू कल्याण जी भाई जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है बसेरा, और उसके लिए बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। और जैसे कि सुनील भाई ने कहा कि एक सॉन्ग था मेरा जो थोड़ा वायरल हो चुका था, और आई थिंक काफ़ी लोग ने देखा था, सुना था, आई थिंक 150 मिलियन के ऊपर गया है। तो उसकी दो लाइन मैं थोड़ी गाता हूँ। आई होप अभी डांस तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थोड़ा छोटा सा स्टेज है, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी गाना मैं गाता हूँ आपके लिए। माइक, वैसे तो औरतों की आवाज़ें बहुत स्ट्रांग होती है, औरतों की आवाज़ें कुदरत और भगवान भी दबा पाता, लेकिन फिर भी मेरे माइक दे देते हैं क्योंकि माइक पर इनका एहसान है। शरीफ हो या मुंडे, सबके फेवरेट है रमाकांत। शरीफ हो या गुंडे, शरीफ हो या गुंडे, सबके फेवरेट है पत्रकार रमाकांत मुंडे। खुश कर, सबको खुश कर, अयोध्या धाम जय श्री राम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बसेरे के लिए जावेद जी को और कमल जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं बसेरा के बारे में क्या ही बोलूँ। बसेरा, आई थिंक मुझे ऐसा फील होता है कि हर किसी के लिए वो पहले रोटी कपड़ा और मकान था, तो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुंबई वालों के लिए बसेरा ही है। तो मकान मतलब बसेरा ही होता है। रोटी कपड़ा और बसेरा हमारा स्लोगन ही होगा। रोटी कपड़ा बसेरा सबकी जरूरत है, सलमान खान हो या शेरा। आ जाओ मेरे भाई, यहाँ आ जाओ। तुम तो कहीं भी खड़े रह सकते हो, एक फोटो के लिए आ जाओ। सर आइए। 50 साल पुराने हमारे इकलौते कलाकार भैया, एक फोटो मार दो वहाँ से, ये मेरे मोबाइल। सर सबसे पहले तो मैं कमाल भाई को करीबन 12-15 साल से जानता हूँ, और उन्होंने जिस तरह की मेहनत करके इस लेवल तक पहुँचे हैं वो बहुत ही मतलब काबिले तारीफ़ है। और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मतलब पहले भी उन्होंने मेरे साथ भी काम किया है, बेहतरीन कलाकार है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि बहुत ही बेहतरीन कलाकार है,
उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ऐसे लोगों को आगे आना बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन हमेशा देते आए और हम हमेशा देते रहेंगे और हम सबको मिलकर ऐसे लोगों को काफ़ी आगे निकालना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना उनको, मीर साहब को, उनकी ये नई एल्बम के लिए। थैंक यू सो मच। आप बताइए सर, बसेरा में आपकी कमाल भाई बहुत मेहनती इंसान है, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं और मैं यही शुभकामना देता हूँ कि ईश्वर करे गणपति बप्पा का समय है, गणपति बप्पा का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो और उनका ये जो एक्टिंग है, जो एल्बम है, सुपर डुपर हिट हो। लुक के बारे में क्या बताना चाहते थे कि लुक है मतलब रॉक बना हुआ क्या? लुक मुझसे थोड़ा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा खूबसूरत तो मैं ही हूँ पर थोड़ा मेकअप करके ये अच्छे लग रहे हैं इसमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू। तो कमाल भाई और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से म्यूजिक लॉन्च होता है और आप सब लोग आते हैं और जो एक आर्टिस्ट की मेहनत है वो लोगों तक पहुँचाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो मीडिया का हमेशा मैं शुक्रगुजार रहता हूँ क्योंकि आप होते हैं तो एक चीज़ लोगों तक पहुंच पाती है। और जहां तक इस एल्बम की बात है, अभी एल्बम मैंने सुना नहीं पर मुझे यकीन है कि एक बहुत ही खूबसूरत एल्बम, जिस तरह से टाइटल है इसका बसेरा, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आने वाली है और मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इस एल्बम को बहुत ज़्यादा सुने, सपोर्ट करें, इसको लोगों तक पहुँचाएँ ताकि अच्छा म्यूज़िक लोगों तक पहुँचे। सबसे पहले तो नाम इतना अच्छा है बसेरा, बसेरा लाइक एक फैमिली, एक कनेक्टेड नेम है बसेरा, तो इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि सॉन्ग की जो फीलिंग्स है वो क्या होगी। तो मैंने भी अभी सॉन्ग नहीं सुना है, मुझे नहीं पता है अभी डिटेल में ज़्यादा, बट ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल टीम, ऑल एक्टर्स, जो भी इसमें एक्टर्स हैं, जिसने भी इसको लॉन्च करने वाले हैं, जो भी इसकी टीम से जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो फॉर श्योर है कि ये गाना बहुत अच्छा जाने वाला है बिकॉज इतने सारे लोग वेल विशर्स हैं ना, इतना प्यार दे रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स गाना सुपर हिट ही होने वाला है। आप क्या बोले सर के बारे में? कमल भाई को तो मैं पिछले कई सालों से जानता हूँ मैं और अभी उनका जल्दी एल्बम जो आ रहा है उनको उनकी पॉइंट उसको शुभेच्छा देता हूँ मैं और ढेर सारे उसको छुपा देते कभी अच्छा एल्बम चलेंगे। सर आपके बारे में, आपके गाने बहुत हिट हुए थे, कुछ आपके आपके गाने का प्लान गाने बहुत अच्छा रहेगा आपके गाने। हाँ, मेरे गाने जैसा कि सबको पता है वो 8 बजे के बाद वाले गाने हैं ज़्यादा। अभी एक नया गाना जो रिलीज़ किया मैंने, मैं उसकी 2 लाइनें शेयर करना चाहूँगा। रब अगर पूछेगा मुझसे, रब अगर पूछेगा मुझसे तूने क्यों पी है, रब अगर पूछेगा मुझसे तूने क्यों पी है, मैं भी कह दूंगा रब से तूने पैदा क्यों की है, रब अगर पूछेगा मुझसे तूने क्यों पी है। क्या बात, क्या बात। किस 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 मुद्दे पे रोज नौटंकी होती है? एक प्रॉपर मुद्दा बोले तो मैं जवाब दे सकता हूँ। FIR कोई खाने का काम तो नहीं है, जो FIR हो जाएगी वो पुलिस स्टेशन गई थी, उन्होंने कुछ कंप्लेंट किया है ये भी मुझे पता नहीं है जो, लेकिन उसके थोड़े देर पहले जो मयूर तनुश्री जी गए थे तो हमने तो प्रॉपर उनके ऊपर कंप्लेंट की है, उसकी चार्ज होगी, उसके बाद जाके FIR होगा। उसने एक मीडिया ग्रुप बना रखी है, ठीक है, उसमें बॉयज हमारे कभी रोने का, कभी ना करने का, अजीब अजीब से फोटो वीडियो डालते रहते हैं मीडिया ग्रुप, आपके बहुत सारे देखे तो मीडिया ग्रुप नहीं बना रखे, इसलिए मीडिया ग्रुप बना रखे पर्सनली, तो क्या बोलना चाहते हैं उसके लिए? लीगल ये है नहीं, पर्सनल मीडिया ग्रुप बना के है, अगर आप लोगों को इरिटेट हो रहा है तो मैं आपसे प्लीज़ विनती करता हूँ कि आप पहले उसको ग्रुप को छोड़ दें, ग्रुप में ना रहें और जो भी कुछ अच्छा काम है उसको कवर करें, ये कंट्रोवर्सी करके लोगों को गुमराह ना करें और लोगों का वक्त ज़ाया ना करें। नहीं, बुरा काम के लिए है ना सर, हाजी साहब है ना,
आप कुछ चिंता करो, बसेरा में आए हो कुछ बसेरा होने के लिए कुछ आप टिप दे वहीं बस जाए, बसेरा के तरफ नाम है वहीं राखी, भाई 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 राखी को कोई टिप्स नहीं दे सकता, कोई मुझे ही टिप्स दे दे बहुत बड़ी बात है, भाई राखी को कोई टिप्स ही नहीं दे सकता, वो एक पिक्चर है, वो बड़ी सीरीज है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। अर्जुन चोपड़ा और राखी ने दोस्ती कर ली, पहले आपके खेमे में थी अर्जुन चोपड़ा, लेकिन अभी राखी के खेमे में चले गए, क्या बोलना चाहते हो? वो आगे से आई थी दोस्ती का हाथ बढ़ा के, मेरी बाद में मेरी बहन बनी, मेरी बहन है, हर हमेशा मेरी बहन रहेगी, नो कमेंट्स ऑन दैट। ये कल जो हम गए थे हमने, और सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा राखी को, एक कल एक क्लिप में बोल रही थी मेरे एडवोकेट को कॉल करना बंद करो, मेरे साहिब भाई को बोल रही थी, ये तो एटलीस्ट क्या काम के लिए कॉल किए थे, उनका कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी है वो मुझे नहीं डिस्क्लोज करना है। सबसे पहले तो राखी गई थी इनके पास, हाथ पैर पकड़ के इनके पैर पकड़ी थी राखी, तो ये तो नहीं गए थे राखी के पास, या राखी को उनके एडवोकेट को ये जो कॉल किए हैं कुछ दूसरे मैटर के लिए कॉल किए हैं, वो ये कभी भी अनएथिकल काम करते ही नहीं है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा राखी मेरी बहन है, कल उन्होंने ये बोला कि मैंने उनके एडवोकेट लोगों को फ़ोन किया, मैंने बिल्कुल भी फ़ोन नहीं किया, जिसके लिए बहुत सी मीम्स बनी है कि राखी प्रूफ दो, राखी प्रूफ दो। दूसरी बात, आदिल के पास एडवोकेट नहीं है, आदिल के पास फैल्कन लीगल है, फैल्कन लीगल एक रेप्यूटेड लीगल फर्म है जिसके पास इन हाउस 30 एडवोकेट है जो पूरे के पूरे आदिल के पीछे एक ताकत बन के खड़े हैं। क्या बात हो, आदिल को एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है, उसके पास पूरा लीगल फर्म है, तो यू नो इसने बोला एडवोकेट, वो एडवोकेट नहीं है, ये नहीं है, आदिल मेरा भाई है, आदिल मेरा दोस्त है, और मरते दम तक हम आदिल के साथ खड़े रहेंगे। दूसरी बात कि उन्होंने ये बोला कि आप हमारे एडवोकेट को फ़ोन कर रहे हो, आप एक सबूत दीजिए कि हम फ़ोन कर रहे हैं, उनके जो एडवोकेट हैं वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे, हम रोज़ मिलेंगे, पर हमारा मिलना राखी और आदिल से लेना देना नहीं है, वी आर वेरी प्रोफेशनल, वी नेवर डू एनीथिंग विच इज़ अनएथिकल, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यस मैं उनके एडवोकेट के पास बिल्कुल नहीं गया था, बट हमारी ऑफिस में, ये मुझे बोलना नहीं था पर मैं आज बोल रहा हूँ, हमारी ऑफिस में राखी सावंत आई थी, वो उन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा, वो चाह रही थी कि हम आदिल का केस छोड़ दें, पर हमने उनको एक एज अ वुमेन, एज अ बहन, हमने बहुत रिस्पेक्ट दिया, उनको बहुत मान सम्मान दिया, और अच्छे से उनको रिक्वेस्ट किया कि हम केस नहीं छोड़ सकते, जो भी होगा मीडिया ट्रायल में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लीगली आदिल अगर रॉन्ग है तो उसको सज़ा होना चाहिए, राखी अगर रॉन्ग है तो उसको सज़ा होना चाहिए, और दोनों अगर बेगुनहगार हैं तो दोनों को सज़ा नहीं होना चाहिए, पर ये मैटर ख़त्म हो जाना चाहिए। रोज़ रोज़ नए लोगों को लाना, रोज़ रोज़ नए नाम लाना, या रोज़ रोज़ एक नया झूठ लाने से मीडिया का टाइम वेस्ट, लोगों का टाइम वेस्ट, और हम जैसे लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। इस चीज़ को छोड़ के प्रॉपर तरीके से, इज्जतदार तरीके से लीगली आप आइए, आपको हर चीज़ का हम जवाब देंगे। वापस से बोलूँगा, ना आदिल की तारीफ करूँगा ना राखी की करूँगा, आदिल मेरा भाई है, राखी मेरी बहन है, मे द बेस्ट पर्सन विन। देखिए ऐसा है, आदिल के पास बहुत सी चीज़ें आ रही है, सिर्फ जो चीज़ का आपने नाम लिया वो तो छोड़ दो, बहुत सी चीज़ है, पर हम ये बोलते हैं कि एक राइट टाइम आने पर हम पिक्चर का, म्यूज़िक वीडियोज़ का, शोज़ का, हर चीज़ का डिक्लेरेशन इस मीडिया के सामने करेंगे, क्योंकि हमारे हक की लड़ाई में इस मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया और बहुत हमारी जो सच्चाई है उसको दिखाने में हमारी मदद करी। इसके लिए आदिल की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू वेरी मच। देखिए अभी ऐसा है कि हमको पुलिस ने बताने मना किया है, पर जो कल धाराओं के तहत जो हमने कंप्लेंट डाली है, जिसमें 354 है, 504 है, 506 है, 509 है, 67A है, तो बहुत सी धाराओं को लेकर बहुत सी कंप्लेंट है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमारी तरफ से हमने सारे प्रूफ दिया है, सारी चीज़ दिया है, क्योंकि हमारे एडवोकेट्स बैठकर एक एक बारीकी से चीज़ों की करते हैं, ना कि सिर्फ कंप्लेंट करने गए, पुलिस स्टेशन में गए, बाहर आए, फोटो खिंचाए, मीडिया को बोल दिए, FIR हो गया, बिल्कुल नहीं। हमारा बोलना ये है पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, अगर हमारी तरफ से हमारी दी हुई स्टोरी राइट है उसके ऊपर पुलिस एक्शन ले, सत्यमेव जयते, हमको पुलिस पे पूरा भरोसा। कौन मेरे दोस्त
मैं जानता ही नहीं वो लोगों को, मैंने पहले भी कहा। उन्होंने बहुत आरोप लगाया आपको, पता कि गाड़ी आपने उनसे ली, पैसे आपने लिए, आपने पे नहीं किया उनको, और बहुत सारी धाराएं उन्होंने भी दिखाई। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, वो मेरे कोई दोस्त नहीं है। मैंने हाल ही में भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो मेरे कोई दोस्त नहीं है। दोबारा ये कहना चाहूँगा, अगर पैसों की बात आती है तो राखी सावंत ऑटो में ही थी, जब मेरी लाइफस्टाइल थी तो वो BMW में घूमती थी, आज वो दोबारा ऑटो में घूम रही है, और अभी वापस एक गाड़ी लेने मैसूर जा रही है कोई नए लड़के को फंसा के। वो मेरा कुछ लेना देना है नहीं, मेरा और राखी का लीगल मामला है। राखी ने मेरे साथ अन्याय किया है, मैं जेल गया था एक झूठे केस में, मैं बाहर आया हूँ, और मेरा स्ट्रेट राखी से मुद्दा है और राखी के साथ बैटल है, और राखी ऑफ बीट करके नए नए कैरेक्टर्स को लाती है इस मुद्दे को दबाने के लिए। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, और राखी के जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं वो राखी के विक्टिम्स हैं, और राष्ट्रीय हो गई या तनुश्री दत्ता हो गई या शर्लिन हो गई, वो राखी के विक्टिम्स थे और राखी के विक्टिम्स हैं, और आप लोगों को भी पता है वो उनके विक्टिम्स हैं। वो ज़रूर वो उनकी विक्टिम थी 2018 में, जब उनको लगा, जब हमारे मुद्दे चल रहे उनको लगा कि मुझे भी आके बात करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में वो अकेली पड़ गई थी, वो बात नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, उनके खुद के रीजंस हैं। जब आज वो बाहर आके बात कर रही है, जब हमारा ये सब हो रहा था तो वो बाहर आके बात करके उनके मुद्दे भी रख रही है आगे। हाँ, कम टू एल्बम एंटर बसेरा की बात करते हैं जी। बसेरा आपने देखा आपने राखी ने बोली क्या साथ करते हैं, पूरा क्या क्या। मैं सच में पूरी बसेरा की टीम को, बसेरा के प्रोड्यूसर, बसेरा के डायरेक्टर, बसेरा के DOP से लेके हर एक इंसान को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि बसेरा एल्बम अच्छा जाए और हिट रहे। और दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, मेरा भाई कल्याण जी के हमको इस सब चीज़ों में जोड़ते हैं, ये बहुत अच्छे इंसान है, और इनका मैं खाली इतना बोलता हूँ, मेरा भाई मेरी जान, अगले महीना जो हमारा दुबई में शो हो रहा है सबको पता है, पूरी मीडिया को पता है, 27-28 को दो दिन का मेरा दुबई में मेरा प्रोग्राम है। मेरा भाई, मेरे दोनों भाई मेरे साथ में है, हाजी भाई तो यहाँ का सहनसा है महाराष्ट्र का, तो ये मेरा साथ है, मेरा बड़ा भाई की तरह। आदिल भाई मेरे साथ में है, राखी मेरे साथ नहीं है और ना रहेगा कभी ज़िंदगी में, नहीं लेके गया था अभी उसका पता था, आप उसका जिंदगी भर के लिए पत्ता काट ना, उसको कभी जिंदगी में अवार्ड देगा, उसको बाल्टी अवार्ड देगा, मैं वो भी मुंबई में देगा उसको, मेरे अवार्ड शो में 25 में अवार्ड शो करता हूँ साल में, उस अवार्ड शो में कभी जिंदगी में उसको मैं नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला जो 2 लाख रुपया मैं लेता हूँ, तो वो ठसन मेरा अंदर है, और जब तक नहीं बोलेगा जो किससे लिया मैंने और कौन सी बैंक में मेरा पैसा आया है, आदिल भाई ने दिया है, वो तब तक। खबरें ये भी है कि आप अभी भी राखी के संपर्क में राखी का संपर्क में नहीं है, राखी साहब मेरे को कुछ मीडिया को गाली देता है मेरे नाम का बारे में, मतलब काट दे, क्योंकि उसको पता है नंगा आदमी एक ही वो कल्याण जी, उससे भी नंगा हूँ मैं, तो उसको पता है भाई कल्याण जी को गाली दिया मतलब उसको भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो वो मीडिया को देने के बाद मतलब काट दे। तो कल्याण जी एक ही आदमी के साथ है, आदिल के साथ है, और इसके साथ ही रहेगा, हाजी भाई के साथ है, साथ ही रहेगा, ये दो मुखा काम कभी नहीं करता, बंगाली आदमी है और जिंदा दिल वाला आदमी है, तो थैंक यू सो मच। और मेरा कमाल भाई, थैंक यू सो मच, ताहिल भाई, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, और भी बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, आदिल भाई बैठिए आप,